चलिए अब आपको लोकप्रिय पॉप स्टार ध्वनि भानुशाली से मिलवाते हैं। फिल्म कहां शुरू कहां खत्म से अपना डेब्यू करने जा रही ध्वनि से बात की हमारी सहयोगी शगुफ्ता ने, दिखाते हैं आपको। कहते हैं लाइफ इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट 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 का डोज अगर नहीं होगा ना तो फिर लाइफ तो थोड़ी फीकी फीकी सी दिखाई देती है। तो इसीलिए मैं आपके मनोरंजन के लिए पूरा इंतजाम कर दिया है। हमारे साथ कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये लाइफ का भी मंत्रा वैसे होता है, लेकिन ये मंत्रा नहीं है। यहाँ पर एक फिल्म आ रही है, फिल्म की पूरी स्टार कास्ट इस वक्त मेरे साथ बैठी है। आप जरा कैमरा के जरिए दिखा सकते हैं, मेरे साथ है ध्वनि भानुशाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौरभ दास गुप्ता मेरे साथ है, आशिम गुलाटी मेरे साथ है, और साथ ही साथ मेरे साथ है लक्ष्मण उतेकर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ध्वनि जी है, आप लोग ऐसे बैठना चाहिए, आप ऐसे बैठ गए, बंगाली मराठी। चलिए ये भी तड़का काफी होने वाला है। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये कहानी क्या कहती है, कहाँ जाती है, हाउ इंटरेस्टिंग इज योर कैरेक्टर? मीरास कैरेक्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग बट इट्स ऑल्सो वेरी रेगुलर। इट्स अ कैरेक्टर ऑफ अ रेगुलर गर्ल हु इज ट्राइंग टू लिव हर लाइफ, इज ट्राइंग टू हैव फ्री विल, एंड दैट्स वाई अगर आप ट्रेलर देखेंगी तो उसमें उसने कहा है कि मैं घर से भाग गई क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे पूछा नहीं शादी फिक्स करने से पहले। तो हमें फनी लगता है पर फनी है नहीं, आजकल भी फनी लगता है, फनी लगता है पर फनी नहीं है। कितना स्ट्रांग मुद्दा है ना, आप देखिए, थिंक अबाउट इट, कि मुझे पूछा ही नहीं कि मेरी विल क्या है, अगर मुझे शादी करनी है कि नहीं करनी है, मर्जी नहीं पूछी। तो उसी वजह से वो अपने घर से भाग जाती है, और कैसे उसकी मुलाकात कृष से होती है, और उसके घर जब वो जाती है तो क्या देखती है, उसका चेंज होता है पूरा, जो थिंकिंग है, पर्सपेक्टिव चेंज होता है, सोच चेंज होती है कि यार ऐसा भी होता है, यू नो, जो करता धरता है, जिनके जहन में आइडिया आया उनसे पूछते हैं कि आया कैसे, कहाँ से आया ये आइडिया, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। लाइफ के बारे में भी कहते हैं ना, बहुत सारी चीजों के बारे में कहते हैं कि ये चीज यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पर खत्म होगी, बीच में बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे, बहुत सारे फेज आएंगे, तो ऐसा ही है कुछ। मैम आइडिया तो एक्चुअली आया था एक शादी क्रैश करके। अच्छा, आपने भी की? हाँ, सच्चाई तो यही है। अच्छा। फिर मुझे हमेशा उसका सेटअप बहुत अच्छा लगता था, फिर मैंने लक्ष्मण सर को बताया, लक्ष्मण सर को भी बहुत अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने लिखी पूरी कहानी, एंड देन थैंकफुली हम आज यहाँ बैठे हैं आपके सामने। लक्ष्मण जी आप भी मतलब सूत्रधार हैं इसमें, ऑब्वियसली ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म एंड राइटर, अहम योगदान दिया है, तो कैसा लगा आपको? Do you think लोग कन्विंस होंगे इस आइडिया से? लोगों को कन्विंस नहीं करना है इस आइडिया से, लोगों का मनोरंजन करना है। अच्छा, एंटरटेनमेंट करना है, क्योंकि हम ही इस इंडस्ट्री में, इसलिए क्योंकि हमें कोई सीख नहीं देनी, कुछ सिखाना नहीं। दिस फिल्म इज आउट एंड आउट हिलेरियस फन राइड। आप सब कुछ भूल के जाइए बस देखने के लिए, बस देखने के लिए जाइए, आपको फिल्म एंजॉय करनी है। इट्स अ ब्यूटीफुल क्लैश ऑफ टू डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट कल्चर, वन इज बरसाना विच इज वेरी फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, वन इज हरियाणा यूपी विच इज वेरी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, एंड एक लड़की की कहानी। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एंटरटेनिंग फिल्म विदाउट एनी बैगेजेस, सो पीपल आर गोइंग टू एंजॉय इट फॉर श्योर, आई एम श्योर। फिल्म का कोई गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो? सहरा, और इनका इसका टाइटल ट्रैक अजीब दास्ता है ये। अच्छा, कोई भी सिंगर अगर आ जाता है तो गाए बिना तो जाता नहीं हमारे स्टूडियो से, तो मैं टाइटल ट्रैक ही गा देती हूँ। हाँ, प्लीज। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बहुत प्यारी और ब्लेस्ड वॉइस यू हैव। तो लास्ट में ना वो गाना याद आ गया, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल चिल कीजिए, और ये मूवी देखिए क्योंकि मसाला मूवी है, एंटरटेनिंग मूवी है, फुल ऑन डोज आपको मिलेगा इसमें एंटरटेनमेंट का, और क्या चाहिए यार।